भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवलाल ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवलाल ठाकुर ने कहा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 13 जून 2013 से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का लक्ष्य नशा मुक्त राज्य, भ्रष्टाचार, छुआछूत एवं सांप्रदायिकता से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण कर देश का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि चुनावों में धन के दुष्प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। जो पार्टी उद्योगपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ती है उसे मतदाताओं द्वारा नकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में रैलियों, पोस्टर आदि के खर्च के बजाय अपनी बात प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद होनी चाहिए। एक और सरकारी कर्मचारी 58 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन से महरूम रह जाता है, जबकि विधायक और सांसद चुनाव जीतने के बाद ही पेंशन के हकदार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व तरह तरह के प्रलोभन देने वाले राजनीतिक दलों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पशुपालकों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाएगी तो आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात मिल सकती है। वहीं पर दूध उत्पादन बढ़ने में भी आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मदास मेहता, ब्लॉक अध्यक्ष रामदयाल और पार्टी के प्रदेश महासचिव संतोष कुमारी भी मौजूद रहे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य है नशा, मांस, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिभेद, छुआछूत एवं सांप्रदायिकता से मुक्त सद्भावनापूर्ण चरित्रवान समाज का निर्माण करके देश का सर्वांगीण विकास करना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्र तक पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, अनुशासन और नियम का पालन करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता समाज में घर घर में जाकर जन जन को नशा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके घरों में सुख शांति का वातावरण बने और वो परिवार विकास के पथ पर आगे बढ़े। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 2019 में मंडी से चुनाव लड़ रही है और वैसे हम चारों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा, पहला लक्ष्य तो हमारा यह है कि हम चुनाव के दौरान ये साबित करेंगे कि यदि हम समाज सेवक हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमको चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमको एक समाज सेवक का जो नेता है उसका परिचय देना चाहिए और उस काम को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अभी आपके सामने जो होने वाले चुनाव हैं उसमें दिखाई।